वल्ला हबीबी, नमाज खत्म होते हुए सब टूट पड़े हैं केले पे अभी भी, और देख सकते हैं भाई। तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो ब्लॉग है बेस्ट है, और बेस्ट क्यों है, जब आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आखिर बेस्ट कहा गया है तो बेस्ट क्यों है। तो चलिए, अभी हम भाई डे में ब्लॉगिंग के लिए निकले हैं, और चलिए फर्स्ट हम चलते हैं मस्जिद। मस्जिद के फिर आपके मस्जिद के बाद आपको फिर आपको कुछ नज़ारा दिखाने का कोशिश करेंगे, जब तक आप वीडियो में बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं भाई, जो अभी का जो मौसम है, जो टाइम हो रहा है, टाइम के अनुसार जो मौसम है, मौसम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कोल्ड है। और जैसा कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, वाह वाह भाई, हम रोड क्रॉस कर रहे हैं धीरे धीरे कदमों से, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए, एक रोड क्रॉस हो गया है और दूसरा रोड भी क्रॉस कर रहा है। चलिए गाइस, फाइनली हम ये भी रोड क्रॉस कर गए हैं, और जैसा कि देख सकते हैं, देखो यार, ये जो है नमाज का वक्त है, इसीलिए गाड़ी वगैरह का पूरा लाइन पर लाइन है। तो चलिए गाइस, देख सकते हैं यही वो मस्जिद है जहाँ हम आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। तो गाइज, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो नमाज था वो ख़त्म हो चुका है फाइनली, और हम बाहर आ गए हैं। और ये बाहर का कुछ आपको केले वगैरह जो भेजते हैं उसका नज़ारा आपको मैं कोशिश करता हूँ दिखाने का। देख रहे हो काफ़ी भीड़ भाड़ है। अभी जो ये केला है भाई, यमन का केला है, जो कि 5 रियाल का किलो दे रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं, लोग लेने के लिए तावर तोड़ मतलब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे यार, रियली में यार ये केला बहुत ही अच्छा होता है। और चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं भाई, कुछ बैत अल जमरा करके है और दूसरा कैफ़े है, उस पर एक हमारे जानने में फ्रेंड है, कहीं हो सकता है मे बी इनकेस अगर उनसे अगर आप अगर हमारी मीटिंग होगी तो आपको ट्राई करूँगा उनके माध्यम से कुछ बात करने का और कुछ बताने का। आप वीडियो में बने रहें। और बाकी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यार, ये एक मॉल है। इस मॉल के बारे में बात किया जाए तो भाई, मैं जब भी आता हूँ ये मॉल क्लोज ही रहता, पता नहीं इसका टाइम मेरे को नहीं पता एक्चुअल में दोस्त, लेकिन हाँ मुझे जो ऐसा आइडिया लग रहा है कि मतलब ये जो इसका टाइमिंग होगा 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही होगा। और देख सकते भाई, ये जो मॉल है ना, काफ़ी बड़ा मॉल है, इसके अंदर मतलब अलग अलग चीज़ मतलब जो होता है यूज के लिए, फॉर पर्सनल के लिए, उसके बाद क्लोथिंग वगैरह हो गया, काफ़ी अच्छे मतलब प्राइस में मिलता है। चलिए तो हम आपको ले करके चलते हैं कुछ आगे का रहस्य दिखाने के लिए, जब तक आप बने रहें। और आज जो मोमेंट है भाई, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। अच्छा इसलिए है कि जो अभी का जो टेम्परेचर है मतलब कहीं बेटर देन माई टेम्परेचर है, एकदम नॉर्मल है। ब्लॉगिंग करने में भी आज मज़ा आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, देख सकते भाई कितना खूबसूरत सा नज़ारा है रोड का, देखो यार कितना अच्छा व्यू है, वाओ यार कितना अमेजिंग व्यू है। तो चलिए, यही वो देख जो देख, यही है बैत अल जमरा, और इसके बगल में ही है कैफे ब्लूबेर। और फाइनली मैं जो है भाई फर्स्ट रोड क्रॉस करने का कोशिश करता हूँ, तो मैं रोड क्रॉस करके आ गया हूँ, और यही है बैत अल जमरा। और देख सकते हैं यहाँ पे जो कुछ डिशेस है, बात किया जाए तो मतलब कि 15 रियाल का है, और दूसरा जो है 29 रियाल का है। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे भाई, काफ़ी टेस्टी है। अंदर मैं लेके चलता हूँ, अल जमरा के अंदर आया हूँ, ट्राई करता हूँ चीज़ें दिखाने का। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, तो देखो यार यही सिस्टम है। आपको जैसा कि कहीं ना कहीं मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ का सऊदी का जो सिस्टम होता है, जो कैबिन सिस्टम होता है भाई, काफ़ी अच्छा होता है। और कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं, वो कैबिन सिस्टम है, और आपको मैं ट्राई करता हूँ केबिन से दिखाने का। देख सकते भाई, यही वो केबिन सिस्टम है। आप देखो ये आउटसाइड का नजारा, वाओ यार कितना खूबसूरत है ना। तो चलिए गाइस, हम लोग फाइनली यहाँ से रिटर्न चलते हैं, क्योंकि जो अभी यहाँ पे का जो सिस्टम है काफी क्राउड है, काफ़ी वेट करना पड़ सकता है इस होटल के अंदर, इसीलिए हम आपको लेके चलते हैं। तो चलिए गाइस,
क्राउड ज़्यादा था, लेकिन हाँ कोई नहीं, अभी जो हम लेके चलते हैं आपको कैफ़े है, ट्राई करते हैं कैफ़े पे जा करके। कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल से आते हैं, है सऊदी के लेकिन हमारे सर्कल में आते हैं, उनसे हम ट्राई करते हैं मिलने का। मिलने के बाद थोड़ा कुछ आज का जो मोमेंट है शेयर करने का कोशिश करूँगा। तो यही वो कैफ़े है भाई फाइनली। तो गाइस देख सकते हैं यही कैफ़े है जिस कैफ़े के बारे में आपको बात कर रहा था। और जस्ट मैं आया था यहाँ पे, एक्चुअल में जावेद भाई यहाँ पे हमारे जावेद भाई से मुलाकातें हुई है अचानक, क्योंकि इससे पहले भी आया था लेकिन उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज हमारी उनसे मुलाकात फाइनली हुआ है। क्योंकि होने का रीज़न है भाई, क्योंकि अभी जो ड्यूटी मतलब उनका ड्यूटी टाइम यही है, और एक्चुअल में वो भाई हमारी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन आज फ्राइडे को लेकर के हमारी मुलाकातें उनसे हो रही है। और मैं आपको नाम भी बताऊंगा, उनके बारे में बताऊंगा। और जिस जगह मैं हूँ भाई रियल में यार, यहाँ पे का जो मतलब कि इस एरिया में ना हमारे इंडियन लोग बहुत कम रहते हैं, पता नहीं यार, क्योंकि हम जब भी ब्लॉगिंग करने के लिए निकलते हैं तो जो इंडियन लोगों की जो परसेंटेज है इस जिजान के जिजान के अंदर जो साबिया सिटी आता है उसके अंदर जो उनकी मतलब जो परसेंटेज है बहुत कम है। जैसे कि कहीं ना कहीं मैं आपको बताता ही रहता हूँ, बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादातर जो अधिकतर लोग मिलते हैं यमन के लोग होते हैं, और दूसरा बांग्लादेश के होते हैं, और तीसरा जो मतलब मुझे मिलता है वो नेपाल के भाई होते हैं। तो चलिए हम ट्राई करेंगे जावेद भाई से बात करने का, कि जावेद भाई यहाँ पे काम करते हैं, उनका क्या है कैसा है और कहाँ की है वो प्रॉपर। तो वीडियो में आप बने रहे। तो चलिए अब हम मिलाते हैं जो कि हमारे जुबैर भाई हैं और जो कि बिलोंग करते हैं झारखंड से, और अचानक आज हमारी मुलाकात हुई है। तो चलिए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं जुबैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आप हैं? मैं इंडिया से झारखंड से हूँ। इंडिया से झारखंड से, चलिए बहुत खुशी की बात है। हम इससे पहले भी आपके मतलब बात कर रहे थे कैफे पे थे, लेकिन बहुत सौभाग्य की बात है कि मुलाकात नहीं हुई थी पहले, है ना, क्योंकि आपका डे में ड्यूटी है ना। डे में ड्यूटी है। चलिए चलिए, तो कैसा लगा आज हमारी मुलाकात आपसे हुई है? इंशाल्लाह बहुत अच्छी से, अपने देश के बंदों से मिलके बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छा। चलिए सही बात है यार, भले ही स्टेट के नहीं है लेकिन कम से कम हमारे देश के तो है ना भाई, यही काफी है। और देश के साथ साथ, क्योंकि जब हिंदी बोलने वाला मिलता है तो अपने आप को बहुत खुशी मिलता है यार, गर्व होता है। तो चलिए, मतलब आप सऊदी में, आपका कितना साल खत्म हो चुका है? मतलब मैं तो सऊदी में 3 साल कंप्लीट हो चुका है। 3 साल कंप्लीट हो चुका है इसी कंपनी का? हाँ, इसी कंपनी का। चलिए, इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले हम जॉर्डन में थे। जॉर्डन में थे। चलिए, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर कोई आना चाहे अगर सऊदी के अंदर, तो उनके लिए कैसा स्टेप रहेगा, कैसा कदम रहेगा? अच्छा है फिलहाल, अभी तो थोड़ी काम धाम का हालात सही नहीं है, लेकिन अगर बेहतर कंपनी, बेहतर हर चीज मिले, फैसिलिटी मिले तो आ सकता है, मुश्किल नहीं है। चलिए चलिए, बिल्कुल आपका कहना सही है कि अगर अच्छा कंपनी मिल जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए तो वहाँ पे आप भले ही किसी भी पोस्ट पे हो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन आपके अंदर का जो आत्मा होता है ना वो खुश होनी चाहिए। खुश होनी चाहिए, सही बात है। चलिए चलिए, तो चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी, जब तक अल्लाह हाफिज। तो गाइस हमारे जुबैर भाई से मुलाकात हुई थी, और चलिए तो बहुत खुशी की बात है कि भाई मतलब इंडिया के मतलब थे और उनसे आज हमारी मुलाकात हुई है, हमें भी अच्छा लगा। और दूसरी बात यह है कि सही बात है जो जुबैर भाई बताए हैं कि देखो, इंसान कहीं भी हो उससे मैटर नहीं करता है, अगर उनका काफी उनकी कंपनी अगर अच्छा हो तो सही में आपका जो टाइम है ना इतना फास्ट में मतलब वो निकल जाएगा, आपको भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी आज काम कर रहा हूँ, इस जान मतलब डिस्ट्रिक्ट है किंग फहद, मतलब यहाँ पे रोड वगैरह है मतलब जाता है, और ये जो रास्ते मतलब जो जगह है साबिया है, यहाँ पे रियली में मतलब मैं बहुत मतलब ब्लॉगिंग किया हूँ, लेकिन हमारी जो मुलाकातें हैं मतलब इंडियन लोगों से बहुत कम मतलब उनसे परिचय हुआ हूँ। आज हमारी मतलब जो परिचय था मतलब बोला है तो इससे पहले आपको मैं दिखाया था तो इंडिया के लोग मिले हुए थे, लेकिन आई थिंक मेरे को 3rd नंबर पे लगते हैं कि जो आज जुबैर भाई का नाम आ गया है। तो चलिए, हमारा जो आज का ब्लॉग था यहीं पे अंत होता है, लेकिन हाँ उससे पहले आप सारे लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है
कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें। दूसरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें एंड अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द आपसे हमारी मुलाकात होगी। सी यू सून टुमारो टू नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।